आपने अक्सर उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में कोल्ड स्टोरेज नहीं होने पर अनाज, फल, सब्जियां और फसलें सड़क पर फेंकने और सड़ने की खबरें देखी और सुनी होंगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में सैकड़ों साल पहले से यहाँ के कुठार कोल्ड स्टोरेज का काम करते आए हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में आज भी कुठारों का वजूद जिंदा है। क्या होते हैं कुठार, बता रहे हैं गंगा विचार मंच के प्रदेश संयोजक लोकेंद्र सिंह। तो कुठार हमारे जो पहाड़ी संस्कृति में कुठार का जो यूज है, ये हमारा अन्न भंडारण के लिए इसका प्रयोग होता था और पूरी तरह से ये लकड़ी का बना होता है और खासकर जो देवदार की लकड़ी है उसका बना होता है कुठार। और कहीं कहीं कुठार एक अकेला होता है, कहीं कहीं दो दो और तीन तीन, और अभी अगर आप रवाई में जाएंगे तो चार चार कुठार एक साथ आपको बने हुए मिलेंगे। तो ये भंडारण के लिए, खासकर अनाज के भंडारण के लिए ये इनका प्रयोग होता था। इसमें किसी भी तरह जब जो अनाज हम रखते थे उसमें कीड़े नहीं लगते थे। ऐसा नहीं है कि कुठारों में सिर्फ अनाज का ही भंडारण किया जाता है। पहले लोग इन्हें अपने गहनों को सुरक्षित रखने के लिए भी प्रयोग करते थे। कुठार का पहले जमाने में प्रयोग ये होता था कि जब जो किसी के पास गहने होते थे, सोना चांदी, उसको संभालने की कोई दूसरी व्यवस्था नहीं थी, तो कुठार में उसका भंडारण भी कुठार में सबसे ज़्यादा सुरक्षित होता था। वो उसका जो दरवाज़ा होता था, इसलिए इसमें कई तरह की जो इसको लॉक करने की पद्धति है वो कई तरह की होती है। तो आम आदमी इसको किसी तरह से खोल नहीं सकता। अगर इसमें ताला खुल भी जाए तो अंदर से एक दूसरे चाबी से ये लॉक होता है, जिसको वही आदमी पर्टिकुलर जिसका कुठार होता है वही खोल सकता था। तो ये भंडारण के लिए होता था और आज ये विलुप्ति के कगार पे है। उत्तरकाशी जिले की गंगा घाटी में उपला टकनौर के मुखबा, धराली, पाटा संग्राली और यमुना घाटी के पुरोला, मोरी, बड़कोट के कई गांवों में आज भी कुठार और पंचपुरे भवन मौजूद हैं। हालांकि अब बदलते वक्त के साथ ये दुर्लभ होकर रह गए हैं। अब आवश्यकता है इस पौराणिक धरोहर के संवर्धन और संरक्षण की। ईटीवी भारत के लिए उत्तरकाशी से सूर्य प्रकाश नौटियाल की रिपोर्ट।